दोस्तों अगर असली टेस्ट की बात की जाए तो वो ढाबों में ही मिलता है, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल चिकन करी, वो भी मेरी स्टाइल में। आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखना और इसे जरूर ट्राई करना। दोस्तों मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका अपने चैनल गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं और साथ में हम इसमें घी डालेंगे 4 टेबलस्पून। दोस्तों घी जरूर डालें, इससे बहुत टेस्टी बनेगा ये। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेते हैं और इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1.25 kg चिकन डाल रहा हूँ जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। दोस्तों चिकन को हमें अच्छे से फ्राई करना है 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। शुरू में आप चिकन हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई होता है। 5 मिनट हमने चिकन अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब इसमें डालते हैं हम 4 हरी मिर्चें और 2 से 3 मिनट हम इसके साथ अच्छे से इसे चला लेते हैं। आप जितना तीखा खाते हो आप उस हिसाब से इसमें मिर्चें ऐड कर लें। दोस्तों 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज के प्याज डाल लेते हैं और इसे हम 3 से 4 मिनट चिकन के साथ भून लेते हैं ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों प्याज सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें डालते हैं हम 4 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को हमने बारीक काट लिया है और साथ में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाल के हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। 7 से 8 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए ऑयल सरफेस पे आ चुका है और मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो आइए इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम करते हैं गैस को ऑफ और इसमें दही डाल लेते हैं। दही को आप लो फ्लेम करके या गैस को ऑफ करके ही डालें ताकि ये फटे नहीं। दोस्तों अब इसमें मैं 5 टेबलस्पून दही डाल रहा हूं और दही डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब करते हैं हम फ्लेम को ऑन और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब इसमें डालते हैं हम फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल रहा हूँ, आप दूध के ऊपर की मलाई भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और दोस्तों ये देखिए ये कितना लाजवाब लग रहा है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून बटर डाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए। दोस्तों आप बटर डाल के देखना इसका टेस्ट कितना डिलीशियस हो जाता है। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं और इसमें हरी धनिया डाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। दोस्तों 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए आपकी पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल चिकन करी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप ये देखो ये कितना टेस्टी बना है चिकन। आप इसे नान, रोटी, चावल कैसे भी खाओ बस मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे ही यूनिक रेसिपी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।